हम गूस यानी के हंस को देखते हैं, जिसका नाम पिंग था। सर्दियां आने वाली थी, अब ये सभी गूस माइग्रेट करने वाले थे। पिंग हमेशा ही अपने ग्रुप से अलग रहता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बाकी गूस की तरह डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके ग्रुप का लीडर हमेशा उससे परेशान रहता था, क्योंकि पिंग कभी भी उसकी बातों को फॉलो नहीं करता था। लीडर बेशक पिंग को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बाकी गूस का फेवरेट था। आगे हम दो डकलिंग्स बहन भाई को देखते हैं, जिनका नाम चाओ और ची था। इनमें चाओ थोड़ा सा शरारती था, लेकिन उसकी बड़ी बहन ची उसका हमेशा ख्याल रखती थी। और उन डक्स का ग्रुप भी किसी सफर पर था। यहाँ पर पिंक की एक फ्रेंड भी थी और ये उसके ग्रुप लीडर की बेटी भी थी। इस गूस का नाम जिन था। पिंक जिन के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पिंक नीचे गिर जाता है। अब पिंक उन डक्स के ग्रुप से टकराकर एक नदी में गिर जाता है, जहां पर उसका दोस्त एक टर्टल भी था। पिंक की फ्रेंड जिन वहां पर आती है और उसको बताती है कि उसके डैड बहुत ज्यादा नाराज हैं। तभी वहां पर जिन के डैड भी आ जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि सर्दियां बहुत जल्दी आने वाली हैं, इसलिए हमें अपनी माइग्रेशन बहुत जल्दी करनी होगी। और वो सबसे ये भी कहते हैं कि अगर पिंक की ऐसी ही हरकतें रही तो वो कभी भी जल्दी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। अब कोस के लीडर पिंक को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और छोटे कोस के साथ उड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पिंक इस बात को नहीं मानता। वो सबसे है कि वो अकेला ही सफर कर लेगा और उन लोगों से पहले उस जगह पर पहुंच जाएगा। जिन उससे कहती है कि अकेले तो हर कोई उड़ सकता है, लेकिन जो अपने ग्रुप का ख्याल रखे वो ही अच्छा लीडर है। दूसरी तरफ पिंक की वजह से ची और चाओ अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। वो दोनों एक पाइप में छुप गए थे, क्योंकि उनका पीछा एक बहुत बड़ी कैट कर रही थी। वो एक बहुत ही बड़ी जंगली बिल्ली थी। वो दोनों अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो सही सलामत यहाँ से निकल पाए। पिंक का फ्रेंड टर्टल उससे कहता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जा रहे। पिंक उससे कहता है कि मेरे ग्रुप को जाने दो, मैं कल अपना सफर शुरू करूँगा और उनसे पहले जल्दी पहुँच जाऊँगा। बाकी सभी गूस अपने सफर पर निकल जाते हैं। जिन थोड़ा नाराज थी पिंक की वजह से, क्योंकि उसको उसकी फिक्र थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी। ची और चाओ अब उस पाइप से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वो जंगली बिल्ली उन पर अटैक कर देती है। पिंक उस जंगली बिल्ली को मार कर नदी में फेंक देता है, जिससे ची और चाओ उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पिंक वहीं पर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके परों के नीचे दोनों डकलिंग सो रहे थे। चाओ पिंक से लिपट जाता है। वो ये समझ रहा था कि पिंक उसकी मॉम है। वो पिंक से कहती है कि उसका भाई बहुत छोटा है, उसने अपनी मॉम को कभी भी नहीं देखा, इसलिए वो आपको अपनी मॉम समझ रहा है। जी पिंक से कहती है कि उसकी वजह से वो अपने ग्रुप से अलग हो गए, अब उसी को उनकी हेल्प करनी होगी। मगर पिंक ची से कहता है कि वो उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने दोबारा अपने ग्रुप के पास जाना है। और वो अब वहाँ से उड़कर जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि चाओ उसके एक पंख से लटका हुआ है। वो उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ी सी प्लेट के साथ वो टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो प्लेट नीचे गिर जाती है और उसके पंख को कुचलते हुए नदी में गिर जाती है। पिंक का अब एक पर इंजर्ड हो गया था। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े और कैसे अपने ग्रुप के पास वापस जाए। वो ये सोचता है कि उसको सारा सफर पैदल चलकर ही तय करना होगा और रास्ते में उसको काफी खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो ची और चाओ को अपने साथ ले लेगा, ताकि अगर कोई खतरा आएगा भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। वो ची और चाओ के पास जाता है, उनको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और ये भी कहता है कि वो उन दोनों को उनके ग्रुप से मिलवा देगा। दूसरी तरफ वो जंगली बिल्ली पिंक के फ्रेंड टर्टल को पकड़ लेती है और वो उसे डर कर सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक पर डैमेज हो चुका है, अब वो उड़ नहीं सकता और उसके साथ ची और चाओ भी हैं और वो तीनों पैदल चलकर सफर तय करने वाले हैं। ये सुनकर वो जंगली बिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं गूस का भी शिकार करूंगी। वो तीनों भी चल चल कर थक गए थे और अब तो बारिश और तेज बिजली भी चमक रही थी। उनको वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ पर रहने वाले चिकन से पूछते हैं कि आज रात क्या वो यहाँ पर रुक सकते हैं। वो तीनों सारी रात वहीं पर रेस्ट करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो बिल्ली उनका पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुँच गई थी। वो उनको डराकर पूछती है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। रास्ते में पिंक को एक लेडी दिखाई देती है जो साइकिल चला रही थी। पिंक उस लेडी की साइकिल को छीन लेता है और चलाने लगता है। फिर रास्ते में एक पत्थर आता है। वो लोग एक ट्रॉली में जाकर गिरते हैं
जिसमें बहुत ज्यादा पिग्स भरे हुए थे। अब वो जंगली बिल्ली भी वहाँ पर आ गई थी, मगर उस ट्रॉली के गिरने की वजह से वो बिल्ली उन पिग्स के नीचे ही फंस जाती है। वो तीनों अब किसी जंगल में आ गए थे। पिग्स भी पूरी तरह से थक चुका था। जी और चाओ उसको किसी तरह से जगाते हैं। वो उन दोनों को ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग उड़ सकते हो। कुछ टाइम के लिए तो जी और चाओ को भी ये लगता है कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन तभी वो थोड़ा सा उड़कर नीचे गिर जाते हैं। वो पत्तों के ढेर में गिर जाते हैं। पिंग अब उन लोगों को बाहर आने का कहता है, लेकिन वहाँ पर चाओ नहीं था, वो एक गुफा में चला गया था। अब वो दोनों डरते हुए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं चाओ को ढूंढने के लिए। जब वो आगे आकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जुगनू थे। अब वो सभी इस चीज को एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वो जंगली बिल्ली आ जाती है। पिंक उस बिल्ली को रोकने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से वो तीनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो एक झरने में बहते हुए कहीं और निकल आते हैं। तभी वहाँ पर आगे जाकर जी को अपना ग्रुप नजर आता है। वो पिंक को बताती है कि हमें हमारा ग्रुप मिल गया है। तभी वहाँ पर कुछ दूर घूस का ग्रुप भी था। पिंक वहाँ पर अपने ग्रुप को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं सुनता। वो इस बात पर जी और चाओ पर नाराज होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई और मैं अपने ग्रुप तक नहीं जा पाया। अब पिंग उन दोनों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है ताकि वो अपने ग्रुप को आवाज़ दे सके। और तभी वहाँ पर भागते भागते वो एक पहाड़ से नीचे लटक जाता है। तभी एक उड़ती हुई चीज आती है और उसको धक्का देकर दूसरे पहाड़ पर गिरा देती है। वो एक गिलहरी था। वो उसको कहता है कि वो उसके पंखों को ठीक कर सकता है। दूसरी तरफ ची और चाओ दोनों आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरी तरफ वो गिलहरी पिंक के परों में एक डंडा बांध देती है और उसको उसके सहारे से उड़ने का कहता है। अब पिंक वाकई ही उड़ पा रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था दोबारा से उड़कर। तभी उसको वहाँ पर ची और चाओ की याद आती है और वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। ची और चाओ को भी अब अपना ग्रुप मिल गया था, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब उन डग्स का ग्रुप एक सिटी में पहुँच गया था। अब उन दोनों को थोड़ा डर लगने लगा था कि उनको यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी एक आदमी उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। वहाँ पर ची और चाओ का पीछा करते हुए पिंक भी पहुँच गया था। डग्स को एक होटल में लाया गया था जहाँ पर उनको मारकर लोगों को सर्व किया जाता था। पिंक सबसे छुपता हुआ उस होटल के किचन में पहुँच जाता है जहाँ पर वो आदमी ची और चाओ को मारने वाला था। पिंक उस आदमी को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले आता है, लेकिन उस सिटी में रश इतना ज्यादा था वो पिंक से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी पिंक ची और चाओ को उस बिल्ली के पास देखता है। वो उन दोनों को खाने की तैयारी में थी। तभी वहाँ पर कुछ पटाखे बजने लगते हैं और वो बिल्ली डर कर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बिल्ली पिंक को पकड़ लेती है और उसके साथ एक नदी में कूद जाती है। लेकिन पिंक अपनी जान को बचाकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो बिल्ली इतनी आसानी से उनकी जान को छोड़ने वाली नहीं थी। वो दोबारा से पिंक को मारने लगती है, लेकिन ची और चाओ पिंक को बचाने के लिए उस बिल्ली के पीछे कुछ पटाखों को बांध देते हैं। तब फाइनली उस बिल्ली से उन लोगों की जान छूटती है। अब पिंक उन दोनों को अपने साथ लेकर चल देता है और अब सर्दियां भी आ गई थी और बर्फ भी पड़ने लगी थी, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे और एक बर्फ के टूटने से वो नीचे गिर जाते हैं। पर ची और चाओ को वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर पिंक जाने वाला था, पर पिंक अब पूरी तरह से थक चुका था। वो उन दोनों को उसके बगैर आगे जाने का कहता है, पर वो दोनों पिंक से कहते हैं कि वो उसको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। वो दोनों उसको अपने ऊपर उठाकर उड़ने लगते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा भारी चीज उठाकर उड़ नहीं सकते थे, वो गिरने लगते हैं। तभी चाओ पिंक की आवाज में बाकी घूस को आवाज लगाता है। आगे हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर आ गई थी और वो अपने ऊपर पिंक को उठाकर लेकर जा रही थी। चाओ और ची भी उनके साथ थे। जिन उसको सही सलामत वहाँ पर ले आती है। पिंक उसको सबके लिए सॉरी बोलता है और वहाँ पर वो उसको ची और चाओ से भी मिलवाता है और उन दोनों को भी अपनी फैमिली के साथ रख लेता है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।